तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रेटर नोएडा का एक सेंटर है जहाँ पर की वोट देने के लिए लोग आ रहे हैं। इलेक्शन मोदी जी का है तो हम कैंडिडेट ना देखते हुए केवल मोदी जी को देख रहे हैं और वोट फॉर बीजेपी ओनली। ओके, काफी अच्छा बना हुआ है और वोटिंग सेंटर पे जो है भीड़ देखी जा रही है और बिल्कुल यहाँ पर प्रतीक्षालय बनाया गया है। यहाँ पे आ रहे हैं काफी ज्यादा उम्मीदें भी हैं और कुछ लोग निराश भी हैं कि उनकी चीजें, उनकी मांगे पिछले सरकार जो थी वो पूरी नहीं हुई है, तो आने वाले सरकार से उम्मीद करते हैं कि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो। तो देखिए लोग अभी आते ही जा रहे हैं, बात करते हैं उनसे। हेलो सर, तो आप वोट देने के लिए आए हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कुछ आप बताना चाहेंगे क्या आने वाले सरकार से आपको क्या लगता है कि हमें क्या पूरा होना चाहिए, खास करके इसकी रजिस्ट्री के बारे में? रजिस्ट्री एक मेन मुद्दा है, बट इसमें मैं इस सरकार की गलती ना मान के पिछले जितने सरकार हैं जिनके वेट कर रहा हूँ। अच्छा, वेट कर रहे हैं, तो अब तक क्या लग रहा है, बहुत भीड़ थी या ऐसे ही है यहाँ पे? अभी भीड़ है और ये मोबाइल का एक समस्या है, तो हमारे फैमिली मेंबर अभी अंदर गए हुए हैं। हाँ, मोबाइल का अलाउड नहीं है यहाँ पर, ये मैं मोबाइल कस्टडी के लिए रखा हूँ अभी। अच्छा अच्छा, तो आपको क्या लगता है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है आने वाली सरकार से? एक्सपेक्टेशन डजंट मीट एनी टाइम, तो एक्सपेक्टेशन तो कुछ है ही नहीं क्योंकि ये लोग तो कभी आते नहीं है, बस चुनाव में आते हैं उसके बाद दिखते नहीं है। हम अपनी तो ये रजिस्ट्री को लेके क्या आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पे? रजिस्ट्री का तो बहुत इशू है यहाँ पे। रजिस्ट्री तो हमने रजिस्ट्री की मांग करते करते थक गए। हाँ हाँ, लेकिन इन लोगों को, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है हमारी समस्याओं से। अच्छा, तो अच्छा। हमने तो इसके लिए एक अभियान भी चलाया था कि नो रजिस्ट्री नो वोट एंड वी लॉक फॉर नोटा, बट ठीक है। अच्छा, तो देखते हैं, शायद इन लोगों को कभी समझ में नहीं आया, फिर भी अब हमारी क्योंकि मतलब आप वोट दे रहे हैं क्योंकि सिटीजन है तो हमारी तो एक अधिकार है, तो हाँ देना है, तो देना है, बट होप कि लिटरली कोई एक्सपेक्टेशन इनसे नहीं है। अच्छा अच्छा, और सेफ्टी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? शर्मा के को हम लोग टेस्ट किए जा रहे हैं एंड ही डजंट टर्न अप एट एनी गिवन टाइम। ओके, तो वी आर लिटरली डिसअपॉइंटेड। Disappointed. तो क्या लग रहा है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलना चाहेंगे? ग्रेटर नोएडा, आई थिंक इट्स नॉट सेफ। नो, इट्स नॉट एट ऑल सेफ, इट्स नॉट एट ऑल सेफ। एंड एक्चुअली जब रिप्रेजेंटेटिव को कोई इंटरेस्ट नहीं है तो ये कभी भी कुछ भी स्ट्रीम लाइन होने नहीं हो सकता है। Okay. एक ट्रेंड है कि मोदी जी के नाम पर वोट देना है, तो हम कब तक मोदी जी के नाम पर वोट देते रहेंगे, ये एक समस्या है। लेकिन वही है कि ठीक है, होप करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, सो वी विल हैव टू एट लास्ट वी विल हैव टू एक्सरसाइज आवर राइट। एक्साइटेड तो होगा ही, वोटिंग के लिए तो आएगा ही, वोटिंग के लिए आएगा ही। लेकिन जहाँ तक एक्सपेक्टेशंस की बात है तो एक्सपेक्टेशन तो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, फुलफिल नहीं हो पा रहा है। चलिए होप करते हैं कि अगले जो सरकार बने वो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरे। ना भी करे तो भी हमें तो हमारा वोटिंग राइट है, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं और हर बार वोट देंगे। उम्मीद है जब तो आएगा वोट जीत के आएंगे मोदी साहब, तो पता। अच्छा, मोदी साहब आपने नाम भी ले लिया कि मतलब आप उनको ये अच्छा है। और ये भी हमारे जो ऑटो वाले भैया मुस्कुरा रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए यहाँ पे मोदी के नाम पे? आपकी तो बड़ी सी मुस्कुराहट भी आ गई। तो सही है, मोदी आया है तो, मोदी आए तो सही है, मतलब ये क्लियर है, आपने क्लियर कर दिया कैमरा पे, ये अच्छी बात है। तो थैंक यू आंटी, तो देखा आपने सबकी बड़ी अच्छी मुस्कुराहट है मोदी जी के नाम पे, आप भी काफी खुश नजर आ रही हैं, बताइए कुछ। मोदी जी बेस्ट है और क्या? अच्छा, मोदी बेस्ट है, तो देखा सब लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं यहाँ पे और अभी भी काफी उत्साहित हैं लोग और आते ही जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आने वाली सरकार जो है इनकी उम्मीदें पूरी करे, ये हम भी उम्मीद करते हैं। वोट देना तो अधिकार, वो तो आप समझ रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या हुआ है अब तक? क्या हुआ है, जो होगा अच्छा ही होगा, जो होगा मोदी जी फिर आ गए। अच्छा, सारे लोग मोदी के नाम पे ही कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, क्या किसको आपको लगता है कि क्या होना चाहिए, किसको वोट देना है ये आपको नहीं बताना है, क्या लगता है क्या करना चाहिए इनको? सही पार्टी है वो जीते, सही पार्टी, आप भी बताएं आपकी। वोट करें, सब वोट करें। वाह, दैट्स अ ग्रेट मैसेज फॉर ऑल कि सभी लोग वोट करें। वोटिंग जो सेंटर है, बूथ बने हुए हैं, यहाँ पर लोगों की काफ़ी ज़्यादा जो है आवाजाही देखी जा रही है, भीड़ भी है, तो लोग जो है यहाँ पर वोट देख के कुछ लोग निकल भी रहे हैं और काफ़ी उत्साहित हैं लोग, तो यहाँ पे कुछ लोग जो है शायद अपने लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि जो है वोट दे करके ये लोग भी निश्चिंत हैं। और यहाँ पर काफ़ी
जो है लोग खड़े हैं अंदर जाने के लिए। तो ये जो है यहाँ पर ग्रेटर नोएडा का है, ये जहाँ पर कि लोग वोट दे के निकल रहे हैं, कुछ लोग अभी जागरूक है। आप वोट देने के लिए निकली हैं तो क्या आपको लग रहा है, एकदम काफी उत्साहित भी नजर आ रही हैं वोट देने के नाम पे, एकदम काम छोड़ के पता है जरूर आई होंगी, तो क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? सभी को शायद अपने अधिकार का जो उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल 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 हो देना चाहिए। सोसाइटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसे इग्नोर करते हुए वी आर वोट फॉर नेशन ओनली। ओके दैट्स अ ग्रेट। तो आप वोट देने आए, कुछ नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है सरकार से, कुछ तो सोचा होगा कि ये सरकार बने तो हमारी कुछ मांगे हैं पूरी हो यहाँ पे, काफी लंबे टाइम से। तो क्या लगता है कि आने वाली सरकार आपके लिए चीजें पूरी करेगी? करना चाहिए, करना चाहिए।